हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन का सेकंड टॉपिक, वियोजन अभिक्रिया, लेकिन डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, वियोजन किसी भी चीज का टूट। जैसे संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक जुड़ के एकल उत्पाद बनाते हैं, वैसे ही इसका जस्ट अपोजिट इसमें है कि एकल अभिकारक टूटकर, यानी एक अभिकारक है वो टूटेगा किसी भी प्रोसेस, या तो उसको गर्म करो, दो उत्पाद बनाएंगे। जैसे कि अगर हमारे पास एक अभिकारक ए भी है तो गर्म करने पर टूटकर ये क्या बनाएगा, ए प्लस बी। तो इसका एक एग्जांपल देने के लिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम क्या करेंगे, चूने के पाउडर को लेंगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और फिर यहाँ से पतली सी पाइप लेकर के दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर इसका जो मुंह है उसे कर देंगे। तो इसके अंदर हमने ले रखा है चूने का पाउडर, जिस नाम होता है CaCO, चूने का पानी, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, जब हम CaCO3 को गर्म करते हैं तो यहाँ पर होगी वियोजन अभिक्रिया। CaCO3 को गर्म करने पर हमें मिलेगा CaO प्लस CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं वो हम इस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे कि कैसे क्या इसकी क्रिया विधि हो रही है। यहाँ हमने ले रखा है CaCO3 यानी चूने का पाउडर, यहाँ से इस बर्नर से हम इसको गर्म कर रहे हैं। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ होगी वियोजन अभिक्रिया और ये दो भागों में टूट जाएगा। तो जो CaO है वो यहीं रह जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से होती हुई CO2 यहाँ से होती हुई इस चूने के पानी में जाएगी। और हम कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक प्रॉपर्टी है, अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखी है तो आने वाले चैप्टर में आप इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर हमें इसकी पहचान करनी होती है तो हम क्या करते हैं, इसे चूने के किसी भी गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करके देखते हैं। अगर ये पानी दूधिया रंग का हो जाए, यानी कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो गैस प्रवाहित कराई जा रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। CaCO3 को हम गर्म करते हैं तो वो दो चीज़ों में टूट जाता है, CaO और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था हमारा वियोजन अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल। अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।